अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। मैं हूं सुमेरा, वेलकम टू कुकनोलॉजी। और मैं लाई हूं बहुत ही यम्मी रेसिपी, चिकन रोल पराठा, जो कि छोटे और बड़े बहुत ही शौक से खाते हैं। और साथ बनेगी इसके बहुत ही आला किस्म की सॉस, जो कि इस चिकन रोल पराठा को और ज़्यादा मज़ेदार बना देगी। बहुत ही कम बजट में बन जाने वाली आला तरीन रेसिपी है। मुझे इस रेसिपी के लिए स्पेशली कुछ भी नहीं खरीदना पड़ा, सारा कुछ घर में ही मौजूद था। आप भी बनाइए, ट्राई कीजिए, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। स्टेप बाय स्टेप रेसिपी है, वीडियो एंड तक देखिएगा। मेरे पास 400 ग्राम चिकन है बोनलेस, जिसको मैंने इस तरह से बड़ा बड़ा काट लिया है। इसमें जाएगा 1 चाय का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 चाय का चम्मच ज़ीरा पाउडर, 1 चाय का चम्मच धनिया पाउडर, 3 खाने का चम्मच लेमन जूस जाएगा, 1.5 खाने का चम्मच सुरख मिर्च और 1 चाय की चम्मच नमक, 1 चाय का चम्मच काली मिर्च, 1/2 चाय की चम्मच गरम मसाला, 1/2 कप मैंने इसमें दही ऐड किया है और 2-3 कतरे मैंने फूड कलर ऐड किया है ऑरेंज, आप रेड भी यूज़ कर सकते हैं। और इसको अभी अच्छे तरीके से मैरिनेट करके मैं 30 मिनट के लिए रख दूँगी साइड पे। 1.5 कप मैदा लिया, इसमें मैंने ऐड किया है 1 कप चक्की वाला आटा, 1 चाय का चम्मच नमक ऐड करके मैंने इसको अच्छे तरीके से गूँध लिया है, ऐसे ही जैसे नॉर्मल हम घरों में आटा गूँधते हैं। एंड पे 3-4 खाने के चम्मच मैंने ऑयल ऐड किया है, उसको अच्छे तरीके से सेट करके 30 मिनट के लिए रख दिया है। सॉस के लिए 1/4 कप मैंने दही लिया है और 1/4 कप ही मैंने मायोनीज़ ली है, 1/2 चाय की चम्मच ज़ीरा पाउडर, 1/2 चाय की चम्मच सुरख मिर्च, 1 चाय की चम्मच काली मिर्च, 1/2 चाय की चम्मच नमक, 1 चाय का चम्मच लहसुन का पेस्ट या लहसुन का पाउडर, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, 1 चाय का चम्मच भुना कुटा ज़ीरा ऐड किया और बहुत अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेना है। लें जी, सॉस आपकी रेडी है। थोड़ा सा ऑयल ऐड किया, इसमें जाएगा तमाम मैरिनेटेड चिकन। 3-4 मिनट मीडियम फ्लेम पे कुक करूँगी। 5 मिनट के लिए कवर करके लो फ्लेम पे कुक करूँगी ताकि अच्छे तरीके से चिकन गल जाए। जी, चिकन गल चुका है, अभी सारा पानी मैं ड्राई कर लूँगी अच्छे तरीके से भून के। चिकन फिलिंग हमारी रेडी हो चुकी है, पराठों का आटा सेट हो चुका है। इनके मैंने 5 पेड़े बना लिए हैं, 5 पेड़े थोड़े बड़े हैं, आप 6 भी बना सकते हैं। अब 1 बाय 1 इनको मैं बेल लूँगी। एक पराठा थोड़ा सा मैंने बड़ा किया, उसके ऊपर मेल्टेड घी लगाया, थोड़ा सा मैदा इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे इस तरीके से। और अब इसको मैं उठा के इस तरह से रोल कर दूंगी कि थोड़ा लच्छा बन जाए, ताकि अच्छा सा मज़ेदार क्रिस्पी पराठा मिले हमें। इस तरीके से इसको मैंने स्ट्रेच किया और इस तरीके से लपेटते हुए एक बन बना लिया। अब इसको मैं बेल लूंगी। पराठा कुक होने के लिए रेडी हो चुका है, फुल गर्म तवे पे पराठा डाला। 2-3 मिनट के बाद मैंने पलट दिया, दोबारा 2-3 मिनट के बाद पलट के मैंने इसको घी लगा दिया। देखें, इस तरह से घुमा घुमा के मैंने अच्छे तरीके से पराठा रेडी कर लिया है। बाकी तमाम भी पराठे रेडी कर लिए हैं। अब इसी तरीके से 1 बाय 1 पराठे के ऊपर मैं इस तरीके से सब पे सॉस फैलाऊंगी अच्छे तरीके से। ये उसके बाद एक साइड पे आपने इस तरीके से एक चिकन की लाइन बनानी है, जितना आप खाना चाहते हैं अपने हिसाब से चिकन ऐड करें। और इसके ऊपर जाएंगे, आपने रिंग की सूरत में प्याज काट लेनी है, वो इसके ऊपर जाएंगी। और सख्त से हाथ से आपने अच्छा सा एक टाइट सा रोल बनाना है, और फिकर की बात नहीं है, ये साथ साथ जुड़ता जाएगा सॉस की वजह से, ये खुलेगा नहीं दोबारा। देखें जी, परफेक्ट रोल पराठा रेडी है, बहुत ही यम्मी, बहुत ही टेस्टी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।